आइए एक छोटा सा परिचय हम करवाते हैं पंडित श्री रमेश चंद्र शर्मा का। किशनगढ़ को कर्म भूमि बनाने वाले पंडित श्री रमेश चंद्र शर्मा का जन्म 25 जनवरी 1948 को जयपुर जिले के साकुन ग्राम के अध्यापक पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी शर्मा के घर पर हुआ। अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के पश्चात राजस्थान नहर पर ओवर सीयर का कार्य किया। आध्यात्म व ज्योतिष में रुचि होने के कारण राजकीय सेवा का इन्होंने परित्याग किया। पंडित रमेश चंद्र शर्मा ने तंत्र ज्योतिष कर्मकांड में सिद्धता प्राप्त कर कई अधिवेशन में भाग लिया। पंडित रमेश चंद्र शर्मा ने भुवनेश्वरी शक्तिपीठ लक्ष्मणगढ़ से कौलाचार्य गुरु नथमलजी दादीच से दीक्षा लेने के पश्चात आध्यात्म में प्रवेश किया तथा ज्योतिष को व्यवसाय के रूप में अपनाया। कौलाचार्य गुरुदेव नथमलजी दादीच ने कई वर्षों तक चांद्रायण व्रत पंचाग्नि तपस्या व प्रत्येक ऋतु की तपस्या की थी, जिन्होंने पंडित रमेश चंद्र शर्मा को चिद्घनानंद नाथ नाम दिया। पंडित रमेश चंद्र शर्मा ने ज्योतिष कर्मकांड वास्तु तंत्र मंत्र एवं कुंडलिनी जागरण पर विगत 45 वर्षों से अध्ययन करके स्वयं के प्रकाशन मयूरेश प्रकाशन की स्थापना की तथा इन विषयों पर अब तक 22 ग्रंथों की रचना की है। 7 मार्च 2010 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा पंडित शर्मा को आमंत्रित किया गया। उदयपुर के महाराणा श्रीजी अरविंद सिंह जी मेवाड़ द्वारा महर्षि हारित राशि सम्मान पंडित रमेश चंद्र शर्मा को प्रदान किया गया। पंडित शर्मा के प्रकाशन मयूरेश प्रकाशन से प्रतिवर्ष लगभग 30,000 पुस्तकों का प्रकाशन होता है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। तंत्रोक्त देव पूजा रहस्य, जिसमें देवताओं की पूजा का विधान दिया गया है। नवदुर्गा दश महाविद्या रहस्य, यह शाक्त साधकों का प्रधान ग्रंथ है, जिसमें स्वयं सिद्ध विद्याओं का वर्णन है। श्री बगलामुखी उपासना रहस्य, शत्रु दमन व वाद विवाद में विजय देने वाली विद्या है। सिद्ध विद्या रहस्य, कामाख्या एवं राधा तंत्र का विस्तृत वर्णन है। तंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र के ध्यान बीज मंत्र न्यास हवनादि कर्म दिए गए हैं। भिन्नपाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती को कामराज मंत्र व नवारण मंत्र द्वारा गर्भस्थ किया गया है। तंत्र सिद्धि रहस्य, इस पुस्तक में षट कर्मों के शावर मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्म कर्म सपर्या, यह कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए हितकर है। दैनिक पूजन के वैदिक मंत्र कर्मकांड की बहुत सरल कुंजी का है। नवग्रह एवं नक्षत्र शांति, नवग्रहों के मंत्र स्तोत्र कवचादि हैं। सुबोध दुर्गा सप्तशती एवं याग विधानम, इसमें दुर्गा पाठ का संपूर्ण सरल विधान के साथ ही यज्ञादि विधान भी दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय, यह रुद्र पाठ की बहुत सरल पुस्तक है। पंडित रमेश चंद्र शर्मा की पुस्तकों के प्रभाव से विदेशी भी बहुत प्रभावित हुए और वे किशनगढ़ आकर उनसे दीक्षा प्राप्त करने ज्ञान प्राप्त करने लगे, जिनमें से रूस के योगी मत्स्येंद्र नाथ ने 6 वर्ष पूर्व आकर दीक्षा प्राप्त की, जो कि विभिन्न साधनाओं में रत है। रूस से लक्ष्मीनाथ ज्ञान प्राप्त करने आई। चेक रिपब्लिक के नागरिक मार्टिन ने दीक्षा प्राप्त की। चेक रिपब्लिक के ही मार्टिन व माइकल ने अग्रिम क्रम की दीक्षा प्राप्त की। स्टोनिया निवासी मार्गो को स्पर्श दीक्षा देते हुए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न चर्च के पादरी जॉन टुपुचे
तंत्र शास्त्र पर शोध करने हेतु एवं कालिका मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ज्ञान की चर्चा करते हुए उनका मत है कि मरियम एवं काली एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इटली से ज्ञान प्राप्त करने आई एक अन्य महिला जॉन डुपुची के साथ ऑस्ट्रेलिया की निवासी अनास्थासिया बेरेनाडे ज्ञान प्राप्त करते हुए एंटो प्रोहो जो कि बेलारूस की निवासी है इन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की। एंटो प्रोहो हवन विधि सहित दीक्षा प्राप्त करते हुए स्पेन की निवासी चिन्मयी माँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आई। महसाणा गुजरात के शिष्य पंकज शर्मा आशीर्वाद लेते हुए अचिंत्य रूपानाथ जो कि लतविया के निवासी है ज्ञान प्राप्त कर आशीर्वाद लेते हुए रूस के योगी मत्स्येंद्रनाथ साम्राज्य दीक्षा के दौरान हवन विधि करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुंडलिनी जागरण पर व्याख्यान देते हुए पंडित श्री रमेश चंद्र शर्मा मई जून 2015 में नेपाल व भारत में आए भूकंपों की स्थिति की भविष्यवाणी की पुष्टि का समाचार दैनिक नवज्योति में प्रकाशित हुआ। पंडित रमेश चंद्र शर्मा के शिष्य पंकज शर्मा द्वारा पूजा मंडप में बनाई गई आकर्षक रंगोलियां पूजा द्रव्यों एवं अर्घादि पात्रों की विधिवत स्थापना चित्रकार की भांति सुशोभित पूजा मंडल एवं प्रांगण पूजा द्रव्यों की सुशोभित स्थापना अष्टदल युक्त गणपति मंडल द्रव्यादि सहित पूजा मंडल सर्वोत्तो भद्र युक्त द्वादश लिंग तो भद्र मंडल विभिन्न द्रव्यों द्वारा सर्वोत्तो भद्र मंडल में समिष्ट युक्त भगवान श्रीनाथ जी का चित्रण यज्ञ हेतु सुशोभित अरणी मंडल यज्ञ हेतु अष्टदल कुंड षटकोण कुंड योनि कुंड षटदल कुंड एवं त्रिकोण कुंड शक्ति याग में शुभ होता है। पंचकोण कुंड सभी कार्यों में शुभ चतुष्कोण कुंड शरीर में छिपे सात चक्रों की स्थिति वर्ण रूपी कुंडलिनी शक्ति का षट चक्रों में स्थान मंत्र के विनियोग आदि ऋषि आदि का शरीर में स्थान योगी मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय से दीक्षा लेकर 12 वर्षों से भारत में शोध कर रहे हैं। 6 वर्ष पूर्व पंडित रमेश चंद्र शर्मा से तंत्र की दीक्षा लेकर तपस्या की एवं अनेक अनुभव प्राप्त किए। योगी मत्स्येंद्रनाथ ने 25-30 देशों में यात्रा कर सनातन धर्म का प्रचार किया और कई देशों में अपने शिष्य बनाए। योगी मत्स्येंद्रनाथ की विदेश यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पादरी जॉन डुपुचे से मित्रता हुई उनके साथ धर्म की चर्चा करते हुए धर्म चर्चा दीक्षा शिक्षा हेतु प्रार्थना सभाएं आयोजित करते हुए मत्स्येंद्रनाथ योगी मत्स्येंद्रनाथ मंत्र साधना के साथ साथ योग की विभिन्न मुद्राएं भी सिखाते हैं जिससे शरीर आलस्य रहित व निरोग रहता है। आइए कुछ फोटोज आपके साथ। लतविया देश के रीगा शहर में मंदिर का निर्माण किया गया जहां नैवेद्यादि विधिवत भारतीय पद्धति से स्थापित किया जाता है। योगी मत्स्येंद्रनाथ पूजन प्रारंभ करते समय वह गुरु का स्मरण करते हुए भूपृष्ठीय श्री यंत्र की पूजा करते हुए योगी मत्स्येंद्रनाथ कुम्रपृष्ठीय श्री यंत्र का पूजन करते मेरुपृष्ठीय श्री यंत्र की पूजा करते समय त्रिखंड मुद्रा से आवाहन करते हुए मेरुपृष्ठीय श्री यंत्र की पूजा अर्चना करते हुए पूजा हवन आदि कर्म करते हुए वृत्ताकार कुंड में हवन करते हुए हवन पश्चात आरती करते हुए योगी मत्स्येंद्रनाथ ने अपने गुरु पंडित रमेश चंद्र शर्मा का आभार प्रकट करते हुए तंत्र शास्त्र पर रशियन भाषा में पुस्तक का
प्रकाशन किया है।